नमस्कार दीपा निटिंग चैनल में आज मैं ये डोरी वाला टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत ईजी है और ये सिर्फ 50 ग्राम धागे से मैं बना रही हूँ और ये 3 घंटे के अंदर अंदर आप बना सकते हैं और इसमें आप डिजाइन आपका हिसाब से डाल सकते हैं और ये जो टोपी है ये भी आपका साइज का हिसाब से बना सकते हैं और स्टेप बाई स्टेप मैं बता रही हूँ इस वीडियो में। और देखिए ये जो डोरी है ये आप लंबा और छोटा बना सकते हैं। अब देखिए ये इसके इस तरीके से बांधना है आपको और इस तरह का आसान और यूनिक टोपी का डिजाइन मेरे चैनल में काफ़ी सारा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं दूसरी वाली टोपी का डिजाइन। तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और पास का जो बेल आइकन है वो प्रेस करिए और पसंद आए तो दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। आइए शुरू करते हैं किस तरीके से बनाना है ये डोरी वाला टोपी का डिजाइन। देखिए इसमें मैं 10 फंदे ले रही हूँ। इसमें फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और सारी फंदे सीधी सीधी बीनने हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये टोपी का डिजाइन। आप किसी भी साइज और किसी भी डिजाइन में बना सकते हैं। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा। ये मैं बॉर्डर बना रही हूँ सारी सीधी सीधी बीन कर। देखिए लास्ट का फंदे भी मैं सीधी बना रही हूँ। अब देखिए इसकी दूसरी साइड मतलब उल्टी साइड फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर धागे पीछे लेकर जाना है और सारी फंदे फिर सीधी सीधी बीनने हैं। मतलब सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी सीधी बीनकर आपको बॉर्डर बनानी है। आप चाहे तो किसी भी बॉर्डर डिजाइन डाल सकते हैं। इसी तरीके से दोनों साइड से आपको सीधी सीधी बीनने हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ डोरी। आप आपका साइज का हिसाब से बना सकते हैं लंबे और छोटे। देखिए इसी तरीके से दोनों तरफ से सीधी सीधी बीनने हैं। इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आप चाहे तो दूसरी बॉर्डर डिजाइन डाल सकते हैं। देखिए इसकी उल्टी साइड से मैं फंदे बंद कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से सीधी बीननी है, पीछे वाले फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। इसी तरीके से सारी फंदे बंद करनी है। आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी फंदे बंद कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से नीडल में चढ़ाना है, फिर दो फंदे एक साथ दो कायक बीननी है, फिर नीडल में चढ़ाना है, फिर दो फंदे एक साथ दो कायक बीननी है। इस तरीके से भी आप फंदे बंद कर सकते हैं। अब देखिए ये थोड़ा खींचना है ये बंद करने के बाद और लॉक लगानी है इस तरीके से। देखिए अब हम इसमें ये जो डोरी है ये आपको भाग लगानी है 3 भाग में। देखिए फर्स्ट भाग बांधने के लिए है डोरी के लिए। देखिए 6 इंच और 20 साइड जो हम टोपी बना रहे हैं वो साइड के लिए। देखिए इस तरीके से 16 इंच बना रही हूँ मैं। आप आपका साइज का हिसाब से भी बना सकते हैं। देखिए ये मीडियम साइज का है, इसमें थोड़ी कम और बेसी लेकर आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये डोरी के लिए है, ये फिर 6 इंच इस तरीके से बनाना है। इधर से आपको फंदे उठाना है। देखिए इस तरीके से डालकर ये धागा लगानी है और जो बुनने वाला धागा है वो लेकर आपको इसका फंदे उठाना है। देख फिर इधर का एक फंदे उठाना है, मतलब एक से एक बार फंदे उठाएंगे। देखिए ये दूसरी है, इसमें भी एक बार उठानी है। फिर इसी तरीके से फंदे उठाते हुए आपको बना लेना है। देखिए इसमें मेरा टोटल 90 फंदे हैं, मैं सारी इसी तरीके से उठाऊंगी। अब देखिए सारी फंदे उठाने के बाद ये इस तरीके से बनकर आता है। डोरी आप आपका हिसाब से लंबा और छोटा रख सकते हैं। अब देखिए इतनी बनाने के बाद अब इसकी उल्टी साइड से आपको डिजाइन डालते हुए बीनने हैं। देखिए ये इसकी उल्टी साइड है, अब इधर से हम डिजाइन डालते हुए बनाएंगे। देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर इस तरीके से दो फंदे उल्टी बिनाए धागा आपने और इस तरीके से लेना है, फिर जाली डालते हुए दो फंदे सीधी बीनने हैं।
जो हम जाली डाल रहे हैं वो वाले फंदे इसके ऊपर से गिरानी है, मतलब दो फंदे के ऊपर से गिरानी है इस तरीके से। अब धागा अपनी ओर, अब दो फंदे उल्टी बिनाई बेलने हैं, फिर इसी बात को रिपीट करनी है। धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए दो फंदे सीधी देख सकते हैं आप, इधर एक फंदे बढ़ रहा है और ये दो फंदे बीनने के बाद जो हम बढ़ाए थे वो वाले फंदे गिरानी है। इसी तरीके से ये डिजाइन बना सकते हैं। धागा अपनी ओर, दो फंदे उल्टी बिने बीनने हैं लास्ट का। अब देखिए ये वाला धागा आपको गांठ लगानी है इस तरीके से, एक दो बार गांठ लगा सकते हैं। अब देखिए इसकी सीधी साइड से, सीधी साइड से फिर सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। बहुत ही आसान डिजाइन है और ये डिजाइन किसी भी निटिंग का प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। सिर्फ दो रो का डिजाइन है, आप देख सकते हैं सारी सीधी सीधी बिनने हैं। इस तरीके से बनाइएगा, सारी सीधी सीधी बुनकर जो डिजाइन वाले हैं वो भी सीधी और जो सीधी है वो भी सीधी, इसी तरीके से बना लेना है। अब देखिए मैं भी इसी तरीके से सारी सीधी सीधी बीनकर मैं लास्ट में आ रही हूँ। इसी तरीके से बनाइएगा सारी सीधी सीधी बीनकर। अब देखिए इसकी उल्टी साइड, अब इधर आपको डिजाइन डालना है। आप चाहे तो एक फंदे स्टार बना सकते हैं शुरू में। देखिए ये मैं शुरू से डिजाइन डाल रही हूँ, दो फंदे सीधी पीछे वाले फंदे गिराएंगे इस तरीके से। अब देखिए धागा अपनी ओर, दो फंदे उल्टी बिनाए इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए ध्यान से, जो हम सीधी बनाए थे उसी में आपको डिजाइन डालना है और जो हम डिजाइन डाल रहे थे वो वाले सीधी बिननी है, मतलब जो शादी है उसी में डिजाइन बनानी है, जो पुराना डिजाइन वाला है उसमें आपको सीधी बिननी है। देखिए इस तरीके से दो फंदे सीधी और पीछे वाले फंदे गिरानी है। अब देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, ये दो फंदे उल्टी बिने बिनने हैं। इसमें हम अगले बार डिजाइन डाल रहे थे, देख सकते हैं आप इस तरीके से बनानी है। अब इसमें हम कोई भी डिजाइन डाले नहीं, इसलिए दो फंदे में डिजाइन डालना है। देखिए इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। साड़ी हम इसी तरीके से बनाएंगे, जो शादी है उसी में आपको डिजाइन डालना है। देखिए दो फंदे सीधी बिननी है, पीछे वाले फंदे गिरानी है, इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट में भी हम डिजाइन डालेंगे। धागा अपनी ओर, दो फंदे सीधी बिननी है, पीछे वाले फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा, आप लास्ट में भी एक फंदे एक्स्ट्रा रखकर बना सकते हैं। मैं साड़ी में डिजाइन डालकर बना रही हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा फंदा बिना लेकर। आप ये डिजाइन देखना चाहें तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं ये डिजाइन किस तरीके से बनाना है, मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं, इसी तरीके से बनाइएगा सारी सीधी सीधी बिनकर। मतलब ये सिर्फ दो रो का डिजाइन है, रो वन में सीधी बिननी है, रो टू उल्टी साइड से डिजाइन डालना है। इसमें हम क्या करेंगे, पुराना डिजाइन वाला सीधी बनाएंगे और जो सीधी है उसमें डिजाइन डालते हुए बनाएंगे। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इसका लेंथ में 5 इंच बना रही हूँ बॉर्डर बिनने के बाद। अब देखिए इसका ऊपर कटाई करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे इधर साइड और इधर साइड 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 15 फंदे। अब देखिए बीच में भी मैं 15 फंदे ले रही हूँ, 15 15 15, इस तरीके से लेना है आपको, 15 6 90, इस तरीके से आपको फंदे डिवाइड करने हैं। जितने भी फंदे हैं आप इसी तरीके से फंदे डिवाइड करिएगा मल्टीपल में। अब देखिए इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर घटाई करनी है, घटाई किस तरीके से करनी है ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर देखिए
दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे बीनने हैं। और फिर इधर का एक फंदे घटाना है, ये वाले फंदे देखिए इस तरीके से तीन फंदे में डिजाइन बनाने हैं, इधर का और इधर का एक फंदे घटाने हैं। अब देखिए ये दो फंदे दूसरी कट में लेकर जाना है, इसके लिए ये मार्कर जो है ये बाहर निकालेंगे इस तरीके से। आपको बीनने में आसान हो इसलिए मैं लगा रही हूँ, आप चाहे तो बिना लगा कर भी बना सकते हैं। दूसरी कट में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बीनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिराएंगे। देखिए इस तरीके से आपको फंदे घटानी है, दोनों साइड का एक एक फंदे घटा रहे हैं। अब देखिए 15 में हमारा एक फंदे घट चुका है इधर का, दोनों साइड का एक एक फंदे घटाने के बाद अब देखिए इधर 12 फंदे बीनने हैं, ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, इस तरीके से 12 फंदे बीनने के बाद अब फिर देखिए इधर भी आपको घटाई करनी है। ये 12 फंदे घटाने के बाद इधर एक फंदे घटाने के बाद इधर भी एक फंदे घटानी है। अब देखिए इसके लिए ये मार्कर बाहर निकालना है और घटानी है इस तरीके से, बाहर निकालना है। अब देखिए दो फंदे दूसरी कटी में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बीनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिराने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए फिर 12 फंदे बनानी है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, इस तरीके से 12 फंदे बीनने के बाद फिर इधर हम फंदे घटाएंगे, इधर का एक फंदे घटाना है और शुरू का एक फंदे घटाना है। देखिए इस तरीके से दो फंदे दूसरी कटी में लेकर जाना है, पीछे वाली फंदे बीनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिराएंगे, इसी बात को रिपीट करनी है आपको। अब देखिए लास्ट में हमारा एक फंदे घटाने के बाद छह फंदे बाकी है, इससे आपको सीधी सीधी बीनने हैं। देखिए इसी तरीके से बनाएगा सीधी सीधी बीनकर, देखिए ये सीधी साइड से पीली करने के बाद अब देखिए इसकी उल्टी साइड, फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है फिर सारी फंदे उल्टे बिना बीन लेना है। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा इसकी उल्टी साइड। अब देख सकते हैं ये घटाई को वाला फंदा है, इससे भी आपको उल्टी बिना बीन लेना है, मतलब उल्टी साइड से सारी उल्टी उल्टी बीनने है। इसी तरीके से बनाइएगा सारी उल्टी बिना बीनते हुए। अब इसकी सीधी साइड फर्स्ट फंदे बिने बिने उतारना है, एक दो तीन चार पाँच छ, छह फंदे बीनने के बाद देखिए फिर एक फंदे घटाना है ये डिजाइन वाला, और आगे का फंदा दूसरी कैटी में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बीनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिराएंगे। देखिए इस तरीके से दो फंदे गिराने हैं, ये डिजाइन इस तरीके से बनाते हुए आपको बना लेना है। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, अब देखिए ये जो घटाई कर रहे थे हम वो वाला है, और दूसरी वाला लेकर दूसरी कैट में लेकर जाना है, पीछे वाली फंदे बीनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिराएंगे। बहुत ही आसान है, इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बना लेना है। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए कटाई करती हूँ इसका। अब देखिए ये कटाई करने के बाद एक दो तीन चार पाँच, यह हमारा लास्ट में पांच फंदे बाकी हैं, इसमें हम टोटल सात फंदे लेकर बना रहे थे, एक एक फंदे घट रहा है लास्ट में और बीच में हमारा दो दो फंदे घटकर ये डिजाइन बनकर आ रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आ रहा है, इसी बात को रिपीट करनी है आपको इसका ऊपर।
इसी तरीके से घटाते हुए बनाइएगा। मैं भी इसी बात को रिपीट करती हूँ। और इसकी उल्टी साइड में आपको उल्टी बिने बेल लेना है इस साइड में। अब देखिए इसी तरीके से बनाते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। अब इसका ऊपर घटाई करने के लिए फर्स्ट फंदे बिने बिने उतारना है। अब देखिए ये डिजाइन है, इसका आगे का एक फंदे दूसरी कैटी में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बिनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। देखिए इसी तरीके से ये डिजाइन बनाते आ रहे हैं हम शुरू से। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका घटाई करनी है आपको। दो फंदे दूसरी कैटी में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बिनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए ये डिजाइन बनाते जाएंगे। अब देखिए ये दो फंदे दूसरी कैटी में, पीछे वाले फंदे बिनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। इसी बात को रिपीट करनी है। फिर देखिए दो फंदे दूसरी कैटी में, पीछे वाले फंदे बिनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है इसके ऊपर के हिस्से में। अब देखिए इतनी बनाने के बाद अब आपको इसकी उल्टी साइड से ये धागा इस तरीके से लगानी है और सारी फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से सारी फंदे गिराना है, सारी फंदे गिराने के बाद ये धागा लंबा खींचना है थोड़ी, और थोड़ी लंबा रखकर ये धागा कट करनी है। अब देखिए धागा कट करने के बाद आपको इस तरीके से लॉक लगानी है। देखिए इस तरीके से, अब देखिए ये ऊपर का हिस्सा बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। अब देखिए इसको उल्टी साइड में पलटनी है। उल्टी साइड में पलटने के बाद इसका सिलाई करनी है। देखिए इस साइड का दो, एक साइड का एक लेकर आपको सिलाई करनी है, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से सिलाई करते हुए आपको सिलनी है। इस तरीके से मैं 3 इंच गैप छोड़कर इधर मैं गांठ लगा रही हूँ। इस तरीके से बनाइएगा, एक दो बार गांठ लगानी है आपको इस तरीके से। गांठ लगाने के बाद ये धागा ऊपर की ओर लेकर जाना है इस तरीके से। अब देखिए इतनी बनाने के बाद ये धागा कट करनी है। अब देखिए ये टोपी बनकर रेडी है और ये मैं आपको पहन कर भी दिखाती हूँ। नमस्कार दीपा निटिंग चैनल से, मैं आज आपको डोरी वाला टोपी का डिजाइन लेकर आई थी। ये डोरी वाला टोपी का डिजाइन आपको कैसा लगा? और ये सिर्फ 3 घंटे का अंदर अंदर बना सकते हैं और इसमें 50 ग्राम धागा का यूज कर रही हूँ। ये डोरी वाला टोपी आप डोरी आपका हिसाब से लंबा और छोटा बना सकते हैं और इसमें डोरी इस तरीके से लगानी है। अब देखिए इस तरह का आसान और यूनिक टोपी का डिजाइन मेरे चैनल में काफ़ी सारा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। पसंद आए तो दोस्तों से शेयर जरूर करिए। अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दूसरी वीडियो में मिलते हैं। आज का ये डोरी वाला टोपी से विदा होती हूँ। धन्यवाद।